नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश और आपका स्वागत है दीपेश की बगिया में। दोस्तों, आज जो आपके सामने एक नया न्यू प्लांट रखा हुआ है, यह है इंडोर प्लांट सफलेरा। जी हाँ, सफलेरा को अम्ब्रेला ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अम्ब्रेला ट्री इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, इसकी पत्तियाँ ही कुछ इस आकार में होती हैं, कुछ इस प्रकार की दिखती हैं, जैसे कि किसी ने एक छतरी को खोल रखा हो। एक बंच में छः छः आठ आठ पत्तियाँ ऐसी फैली होती हैं जैसे कि कोई छाता या अम्ब्रेला रखा हुआ है, इसलिए इसको अम्ब्रेला ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज़ हम बोनसाई प्लांट के रूप में भी कर सकते हैं, हालांकि इसकी हाइट भी ठीक ठाक हो जाती है, 5-6 फीट तक पहुँच जाते हैं ईजिली। लेकिन आप चाहें तो इसको एक बॉन्साई प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। मैं एक्चुअली इसको एक बॉन्साई के रूप में ही तैयार कर रहा हूं। मैंने इसको मात्र अभी 6 इंच का पॉट दे रखा है और धीरे धीरे ये अपने ऐसा डाया गोल होता जाएगा। मैं इसकी कटिंग कुछ इस प्रकार से करूंगा कि ये धीरे धीरे एक छतरी का शेप ही ले लेगा और काफ़ी खूबसूरत दिखता है। इसके एक बड़ी पत्तियों वाला प्लांट भी आता है, वो प्योर ग्रीन कलर का होता है। मैंने इसकी ड्राफ्ट वेराइटी का यूज़ हूँ जो वेरीगेटेड होता है। कलर इसके देखिए कितने प्यारे दिखते हैं, येलो और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन इसमें काफ़ी खूबसूरत लगता है। ठंड के दिनों में ये डोरमेंसी में होते हैं, अभी फरवरी का मंथ है और ये अब मान लीजिए नींद से जाग रहे हैं। अभी इनके कलरों में इतनी बढ़िया शाइनिंग आ जाएगी, ये अभी बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है, इसकी ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, ये हमें काफ़ी अच्छा ऑक्सीजन देता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इस प्लांट के रख रखाव की बात कर लेते हैं। आप लोग को बता देते हैं कि इसको कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा पानी चाहिए, कैसी जगह देना है, इसको टेम्परेचर कैसा होना चाहिए जिससे कि ये अपनी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा के रखे। चलिए तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो सफलेरा को जो है एक वेल ड्रेन्ड सॉइल काफ़ी पसंद होती है, इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसलिए मिट्टी इसकी ऐसी बनाइए कि पानी आसानी से इसमें निकल जाए, इसकी मिट्टी में ठहरे ना, कीचड़ ना मचे। मिट्टी को ऐसा बनाना है, एकदम सॉगी सी नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ एक नमी बनी रहे, ऐसी वेल ड्रेन मिट्टी होना चाहिए। तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए आपको सबसे पहले 30% अपने गार्डन की सॉइल बगीचे की मिट्टी का उपयोग करना है, 20% रेत बालू या सैंड का यूज़ करना है, 20% राइस हस्क का यूज़ करिए और 30% वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट का यूज़ करिए। आप जब इस रेशियो में मिट्टी को तैयार करेंगे तो वो एक बहुत ही शानदार वेल ड्रेन्ड सॉइल बनकर तैयार होगी। उसकी पहचान ये है कि आप जैसे ही उसमें पानी डालेंगे ना मिनट, ये पानी शक कर जाएगा, बिल्कुल भी आपको पॉट के ऊपर नज़र नहीं आएगा, आसानी से गमले में नीचे तक पानी चला जाता है, विद इन अ मिनट ये नीचे चला जाएगा। ये एक वेल ड्रेन्ड सॉइल की पहचान होती है। इसकी एक पहचान और भी होती है कि आप जब एक अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करते हैं तो आप अपनी सूखी हुई ड्राई मिट्टी में भी अगर उंगली डालेंगे तो वो आसानी से मिट्टी के अंदर उंगली आपकी चली जाएगी। मैं ऐसी ही मिट्टी तैयार करता हूँ, उससे होता यह है कि इससे हमारी मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होती है, जिससे कि इन प्लांटों की रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप होती हैं, इनको ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है और ये अपनी ग्रोथ को अच्छी तेज़ी से बढ़ाते हैं। चलिए तो ये तो हो गई इसकी मिट्टी की बात, अब हम इसके रख रखाव की बात कर लेते हैं। सफलेरा को जो है आप सेमी सेड एरिया अपने घर का दीजिए। सेमी सेड एरिया ऐसी जगह होती है जहाँ धूप सुबह की 2 घंटे की भी अगर इसको मिले तो काफ़ी सेफिशियंट होता है। ठंड में तो आप फिर भी ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में आपको ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। सेमी सेड एरिया दीजिए जहाँ से धूप जो है छन छन के इस पे पड़े, तो ये इसकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर अधिक धूप में रख देंगे आप तो इसकी पत्तियाँ जो हैं बर्न होने लगेंगी, जलने लगेंगी साइड से और पीली पड़ के झड़ने लगेंगी, तो आप इसको सेमी सेड एरिया दीजिए जो इसकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फंगीसाइड का जरूर यूज़ करिए। जब भी आप अपनी मिट्टी को तैयार करें तो फंगीसाइड का यूज़ ज़रूर करिए। मैं साफ का फंगीसाइड यूज़ करता हूँ। फंगीसाइड से होता यह है कि हमारी अगर मिट्टी में एक्टीरिया रह गया है तो फंगीसाइड उसको ख़त्म कर देता है। आप साफ का कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंगीसाइड का यूज़ करिए। सिस्टमिक फंगीसाइड की खासियत ये होती है कि वो रूट्स से प्लांट अंदर से एब्जॉर्ब करके इंटरनल भी अगर कुछ पहुँच गया है फंगस वगैरह तो वो उसको भी दूर कर देगा। इसलिए आप 1 से 2 ग्राम 10 इंच के पॉट में ज़रूर अपनी मिट्टी में यूज़ करिए।
प्लस नीम खली का भी ज़रूर यूज़ करिए। नीम खली से होता यह है कि उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस तो होते ही हैं, लेकिन वो मिट्टी में आपके कीड़े मकोड़ों को भी बिल्कुल पनपने नहीं देता है। आपके प्लांट और प्लांट्स की रूट एकदम सेफ रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। इसलिए आप उसमें कम से कम 10 इंच के पॉट में एक मुट्ठी नीम खली का यूज़ ज़रूर करें। अब हम इसकी वाटरिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसको वेल ड्रेन सॉइल की पसंद होता है, वेल ड्रेन सॉइल इसको पसंद होता है, यानी कि पानी अधिक ठहरना नहीं चाहिए। इसलिए हमें इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर वाटरिंग करने से होता यह है कि इसके ड्रेन का पॉट के ड्रेनेज होल से हमारे सारे फर्टिलाइज़र वगैरह जो है निकल जाते हैं, मिट्टी में कुछ भी नहीं बचता है, रूट रॉट की समस्या होने लगती है, गलन होने लगती है पेड़ों में, और होता यह है कि प्लांट धीरे धीरे डेड कर जाता है। इसलिए ओवर वाटरिंग से बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसको कम से कम हर 10-15 दिन में इसको शावर दीजिए ऊपर से। इनको नहाना काफ़ी पसंद होता है, इनकी धूल डस्ट दूर हो जाती है, जो इनकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ओवर वाटरिंग से आपको बिल्कुल बचना है। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो मैं सिर्फ इसमें हर 6 महीने में कंपोस्ट का यूज़ करता हूँ। वर्मी कंपोस्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। आप चाहो तो लीफ कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसके अलावा मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में वर्मी कंपोस्ट को 1 लीटर पानी में एक मुट्ठी को डाइल्यूट करके उसके पानी को मैं इनमें का छिड़काव करता हूं और इसके पॉट में देता हूं, जो इसकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, ये एक शो प्लांट है, ना कि फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अधिक फर्टिलाइज़र भी काफ़ी नुकसानदायक होता है, इसलिए लिमिट में ही देना चाहिए। अब बात करें इसके प्रोपगेशन की, प्रोपगेट करने की, कटिंग से इसको डेवलप करने की, तो अगस्त का मंथ काफ़ी अच्छा होता है। एक्चुअली मैंने भी ये अगस्त के मंथ में ही प्लांट को डेवलप किया था कटिंग के माध्यम से। इसका मदर प्लांट जो है मेरा नीचे गार्डन में रखा हुआ है। मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं वीडियो ऊपर 3rd फ्लोर पर शूट करता हूँ, और वहाँ पर भी मैंने ये कटिंग को डेवलप करके अपने इस प्लांट को यहीं पर जगह दे रखी है। सेमी सीड एरिया है, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे, और मैं इसकी कटिंग कर करके इसको धीरे धीरे अम्ब्रेला के रूप अम्ब्रेला प्लस मैं इसका बॉन्साई भी बना रहा हूँ, जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा जब ये तैयार हो जाएगा। अभी कोशिश जारी है। तो कटिंग को आप अगस्त के मंथ में इजीली डेवलप कर सकते हैं। 6-6 इंच की कम से कम कटिंग यूज़ करिए, 5-6 इंच की काफ़ी होती हैं। सेमी हार्डवुड होना चाहिए, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली, ईजिली ग्रोथ कर जाती है। जो लोग अगस्त में चूक गए हैं, तो वो अभी फरवरी का मंथ भी काफ़ी अच्छा होता है किसी भी कटिंग को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो आप अभी भी इसको लगा सकते हैं और अपने पेड़ पौधों की संख्याओं को काफ़ी आगे तक बढ़ा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये रही आज इस खूबसूरत से ऑर्नामेंटल प्लांट सफलेरा की जानकारी। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम फिर नई वीडियो में आप लोग के साथ फिर किसी नए प्लांट के साथ आएंगे। ओके, सो प्लीज़ लाइक डू एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीपेश की बगिया। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।